हेलो फ्रेंड, देख रहे हैं आप? कुछ लोग ऐसे भूखे भी रहते हैं जो क्या मैं बताऊं। देख रहे सारा जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ इतने लोग थे, मैं किसी ने उस मुद्दे को वो नहीं सोचा बेचारा। ऐसे आप 2 से 5 से 10 बजे वो दोगे, लेकिन अगर वो खा लेगा ना तो पेट में जा रहा है आपको बहुत। इतने सारे लोग अगर देखिए जा रहे थे हनुमान मंदिर गए थे, लौटते समय देख रहे बारात जा रही थी और मेरे पार्लर में जो मेहंदी वेहंदी भी लग रही थी वो भी सब रिकॉर्ड कर दिए। बच्चे तो आप मिले ही होंगे, आप जानते ही होंगे दुनिया से कोई टेंशन ही नहीं है। फिर उसको ले आई तू, इतना परेशान कर रही है सारा, वो हंस रहा है देख रहे हैं, बहुत प्यार करती बच्चों को मार खा के। ये मेरे स्टूडेंट है जो मार रही है उसको, नानी नाना सब पहुँचेगा, नानी भी देखेंगी नाना भी देखेंगी। ये देखिए मैं लायक नहीं है मौसम इस जगह, ये बस्ती है इसमें क्या साफ सफाई, आप सोच रहे हैं बहुत गंदा है, क्या करें उसी में ही सब कुछ करना पड़ता है। छोटी जगह ही है, गेट है, सही जगह है, इसी में खाना बनाना है, उसी में बैठे उसी में सब कुछ कर। मेरा कूलर है, बर्तन का स्टैंड खरीदा था गाइस, ये ऑफलाइन ही लिया था, ये मुझे 950 का मिला था। ये मेरा घर लेकर आई थी तो नया ही तो मैं उनसे ले लो बर्तन कढ़ाई रखी हुई करना पड़ता है हैंड दिया था, लेकिन मुझे मालूम इतना भी नया हो किसी घर पे आ जैसे आप ईमानदारी से काम करती हूँ, बड़ों लोग आशीर्वाद पड़ोसी ने जिन्होंने चूल्हा बनाया है देखो कितना अच्छा बनाया है। अगर आपको ये सीखना है, अगर देखना है आप कैसे चूल्हा बना सकते हैं घर पे तो भी आप बताइएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और आप सीख भी सकते हैं। ये बालू सीमेंट का ही बना हुआ है, ये देख सकते आप, देख रहे हैं सीमेंट बालू से ही बना हुआ है चूल्हा, तो उन्होंने अपने लिए बनाया है लेकिन मैं भी एक बनाऊंगी। चूल्हे का खाना अच्छा लगता है और उसकी रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, और चूल्हे में खाना बनाना भी आता है तो खाना बनाना भी आता है। और ये देखिए अभी सूखा नहीं है, ये गीला ही है, ये देखिए। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये रसोई वाला चूल्हा है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको चूल्हा कैसा लगा, और अगर आपको सीखना है कैसे बनता है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट है, अगर आप इसको बनाओगे तो
बनाओगे चूल्हा जो है कोई बर्तन आप इसमें रखोगे जल जाएगा, तो ये थोड़ा सूख जाएगा ना अगर इसके ऊपर हम और ऊंचा करेंगे तो गिर जाएगा, तो इसलिए इतना सूखेगा उसके बाद एक छोटे 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 इसी तरह इसके ऊपर एक बार और चढ़ा लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो बर्तन में आराम से वो हो जाएगा। और किसी को छोटा पसंद है छोटा ही बना ले, नहीं तो उसको बड़ा करने के लिए उसको अच्छे से बना लेगा। ये देखिए बारह के बाद